या बेटा, प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो था अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट दैट इज 1A और 2A। कुछ हमने प्रॉपर्टीज देख लिए थे, जनरल प्रॉपर्टीज एंड ऑल। फिर हमने कुछ एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम भी देख लिए थे। बट अब बात कर रहे हैं हम लोग एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द बेरिलियम की भी बात कर लेंगे। ये भी उसी का टॉपिक है, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट से ही है, और हो सके तो आज पॉसिबल हम इसे कंप्लीट भी कर देंगे। व्हाट इज दैट सर? एबनॉर्मल बिहेवियर, और वी कैन से दी एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज कैन बी शोन बाय, और अबनॉर्मल बिहेवियर कैन बी शोन बाय द एलिमेंट कॉल्ड एज ए बेरिलियम। अब बेरिलियम की एबनॉर्मल बिहेवियर देखना है। अब आपसे पूछा जाएगा बेरिलियम बाकी एलिमेंट से एबनॉर्मली क्यों बिहेव करता है, तो रीजन क्या लिखना बेटा? ड्यू टू स्मॉल साइज हाई चार्ज डेंसिटी, ब्रैकेट में लिख देना बेटा, ड्यू टू स्मॉल साइज, इसकी साइज छोटी है, एंड ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, बेटा इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है कंपेयर टू अदर एलिमेंट ऑफ द सिमिलर ग्रुप, हेंस हम बोलेंगे ये थोड़ा एबनॉर्मली डिफरेंट बिहेव करता है। सबसे पहली बात, बेरिलियम बिहेव डिफरेंटली करता है तो बेरिलियम है कैसे? तो आपने बोलना सर ये बड़ा हल्का सा मेटल है, दैट इज ए लाइटेस्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये तो आप भी जानते हो, सारे सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल ही कहते हैं। तो कैसा है बेटा? ये लाइटेस्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बाकी से अगर कंपेयर कराते हो तो भाई इसको ऐसे लिखो कि बेरिलियम की बाकी अदर एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप में एमपी देखो या उसकी बीपी देखो सबसे ज्यादा है। हाँ बेटा, इट पॉसेसेस हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन द अदर मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप। बेरिलियम के ऑक्साइड की बात कीजिए, ये सबको मालूम है ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम कैसा है, एम्फोटेरिक इन नेचर है। लेकिन बाकी के ऑक्साइड्स कैसे हैं बेटा? अदर ऑक्साइड्स की बात करो सर, अदर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर बढ़ते जाएगा। अदर ऑक्साइड बेसिक है, बेरिलियम ऑक्साइड कैसा आ गया? एम्फोटेरिक इन नेचर। इज इट क्लियर? दिख रहा है बेटा आपको सबको? वेरी गुड। अगर आप इसकी बात करो अफेक्शन ऑफ और रिएक्शन ऑफ दिस बेरिलियम विद द ड्राई एटमोस्फेरिक एयर, तो आप बोलेंगे इट डज नॉट इजीली अफेक्टेड बाय द ड्राई एयर एंड डज नॉट डिकम्पोज वाटर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद ड्राई एयर एंड डज नॉट डिकम्पोजेस वाटर। हाँ बेटा, ये मेटल है ना, वाटर को भी डिकम्पोज नहीं करता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। डज नॉट डिकम्पोजेस वाटर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ये आ गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगे थे और एनसीईआरटी में भी है। इसके अलावा एनसीईआरटी में बेटा उसने सल्फेट की भी बात किया, उन्होंने सल्फेट ऑफ बेरिलियम कैसा है तो बोला सर सल्फेट ऑफ बेरिलियम इज सॉल्युबल इन वाटर। सल्फेट ऑफ बेरिलियम कैसा है तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। बेरिलियम सल्फेट बेटा वाटर में सॉल्युबल है। अब बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप देखो तो बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, तो बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर डायगोनली रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जो अपना एलिमेंट बेरिलियम है और उसके नीचे में मैग्नीशियम है, अगर आप इन दोनों के कार्बोनेट्स की बात करो ना बेटा, देयर कार्बोनेट्स आर नॉट प्रेसिपिटेड बाय द अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, राइट? बड़ा अच्छा पॉइंट है। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट दे आर नॉट प्रेसिपिटेड बाय, दे आर नॉट प्रेसिपिटेटेड बाय अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ द सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बेटा? NH4Cl। इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, बट इनके अलावा जो बाकी के कार्बोनेट होते हैं ना तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। लेकिन दोनों के कार्बोनेट डज नॉट प्रेसिपिटेट बाय द अमोनियम कार्बोनेट, राइट? इन प्रेजेंस ऑफ ए अमोनियम क्लोराइड। बेटा बेरिलियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट है ना, ये कलर टेस्ट नहीं देते फ्लेम में। हम ये भी लिख सकते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम डज नॉट
इम्पार्ट फ्लेम कलर, मतलब अगर आप फ्लेम पे जलाओगे तो इनकी कोई कलर ही नहीं होती है। क्यों? साइज इतनी छोटी है, न्यूक्लियस ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इतना स्ट्रॉन्गली पकड़ के रखा कि आप जलाओगे तो भी इलेक्ट्रॉन उड़ेगा नहीं, एंड डज नॉट गो टू द एग्जाइटेड स्टेट, डज नॉट कम टू द विजिबल रीजन, वहां पर नहीं आएगा, एंड डज नॉट इम्पार्ट एनी कलर। कौन? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग। ले लिए? वेरी गुड। अब बात करो बेटा बेरिलियम के साथ में, थोड़े से कंपाउंड फॉर्म बाय द बेरिलियम कॉल्ड एज ऑक्साइड फॉर्म बाय द बेरिलियम। चलो इसकी भी बात करके देखेंगे क्या बनाता है। एग्जांपल मैं दूंगा अभी, अगर मैं बात करूं कि ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम बनाओ, क्या बेरिलियम की टेंडेंसी परऑक्साइड बनाने की है? हम बोलेंगे ना सर, बेरिलियम डज नॉट फॉर्म परऑक्साइड लाइक ए अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल। बाकी के जो अपने 2A ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं ना, उसके जो एलिमेंट्स हैं मिटा दो, राइट, यहां लिख देता हूं बेटा मैं, या बेटा ये जो है हमारा बेरिलियम, इट डज नॉट फॉर्म परऑक्साइड लाइक अदर 2A ग्रुप एलिमेंट, लाइक अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनके जैसा ये बेरिलियम कोई परऑक्साइड बनाता ही नहीं है, राइट। बेटा बेरिलियम की जो सॉल्ट होते हैं ना, दे कैनॉट हैव मोर देन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है। ये भी लिख सको बेटा कि बेरिलियम के सॉल्ट होते हैं कैनॉट हैव मोर देन 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। आपको मालूम है इस मैक्सिमम को वैलेंसी 4 है, तो 4 से बढ़ा के कैसे बनाएगा सर? 4 क्यों है? अरे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है ना बेटा, सो एज इट डज नॉट हैव द वैकेंट ऑर्बिटल, इट कैन नॉट एक्सपांड इट्स ऑक्टेट, हेंस इट्स मैक्सिमम कोवेलेंसी विल रीचेस टू 4। वेरी गुड। बेरिलियम कार्बाइड की बात करो बेटा, अगर वो वाटर से रिएक्ट करता है ना तो मीथेन गैस देता है। ये बड़ा सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है कि बेरिलियम की कार्बाइड 2 and 4 1:2, ये बेरिलियम कार्बाइड है बेटा, अगर ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये मीथेन की गैस देगा। समझ में आ रहा है बेटा? मैग्नीशियम की कार्बाइड पकड़ो और कैल्शियम की कार्बाइड पकड़ो, ये क्या देते हैं? प्रोपाइन और एसिटिलीन देते हैं। भाई मैग्नीशियम की कार्बाइड Mg है, +2, 4, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर? Mg 2C, बराबर है ना? 2 and 4 1:2। इसके बाद कैल्शियम की कार्बाइड पकड़ो, Ca 2C, राइट। तो मैं ऐसे लिख दू इंस्टेड ऑफ दिस वन बेटा, मैग्नीशियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, देन कैल्शियम कार्बाइड। बेटा अगर ये जो कार्बाइड्स होते हैं, अगर इसकी मैग्नीशियम की कार्बाइड को वाटर में डालो और कैल्शियम की कार्बाइड को वाटर में डालो, तो मैग्नीशियम के कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कराइए, आपको प्रोपाइन देगा, PROPYNE, और कैल्शियम कार्बाइड को हाइड्रोलिसिस करा लीजिए, आपको एसिटिलीन देगा। मतलब यहाँ 2 कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड या 3 कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, भाई यहाँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन मैग्नीशियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से आ रहा है, ये बेटा एसिटिलीन कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से आ रहा है, और बेरिलियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस क्या आ रहा है? मीथेन गैस आ रही है। तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे एनोमलस बिहेवियर थे बेरिलियम के, जो मैंने दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Is it clear? अब क्या करेंगे बेटा, 1A और 2A का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी कंपैरिजन में करा लेंगे। देखो मैं बना के दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, 1A और 2A की केमिकल प्रॉपर्टीज कंपैरिजन में कर लेते हो, 100% एस ब्लॉक पूरा एनसीईआरटी से कवर हो गया,
और गारंटी के साथ बोल रहा हूँ बेटा, 1A ग्रुप और 2A ग्रुप मिला के आपको मिनिमम 3 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसको अगर अच्छे से 2 बार 3 बार रिविजन करके एनसीईआरटी की बुक लेके बैठे तो डेफिनेटली 4 × 3 12 मार्क्स आपके हाथ में है इस ब्लॉक से। तो देखिए मैं दे रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज, भाई यहाँ लिख रहा हूँ मैं, दिस इज ए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी 1A एंड 2A ग्रुप एलिमेंट। क्या बेटा आपको ये दिख रहा है बोर्ड पे? एक मिनट मैं देख लूँ, दिख रहा है सबको? वेरी गुड, दिख रहा है राइट? अब देखो ये जो प्रॉपर्टीज लिख रहा है मुझे लिखने, बेटा 1A और 2A की दो फॉर्म में बना देता हूं मैं। पहले बनाएंगे सर 1A ग्रुप और बगल में बना देंगे 2A ग्रुप। बेटा ये जो 1A और 2A का जो मैंने प्रॉपर्टीज देनी है केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपेरिजन करा के दे देंगे। पहला बेटा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मॉइस्ट एयर, पहली है। क्या है सर? रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स टुवर्ड्स मॉइस्ट एयर। सर इसमें कुछ एक्सेप्शन है क्या? है भाई, देखेंगे। बेटा अगर किसी भी मेटल को ऑक्सीजन से, अगर आप ऑक्सीजन में कंबशन कराते हो तो उसकी टेंडेंसी है उसकी ऑक्साइड देना। उसकी हाइड्रोलिसिस करा लो उसकी हाइड्रोक्साइड देगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करा लो उसके कार्बोनेट देंगे, पक्का ना? तो देखो बेटा ये है आपका 1A ग्रुप, आपने इसकी ऑक्सीडेशन करा ली है, अच्छी बात है, तो इसका एक नॉर्मल ऑक्साइड देगा। बेटा नॉर्मल ऑक्साइड को पानी में डाल दो तो ये इसकी हाइड्रोक्साइड देंगी, इसको कार्बन डाइऑक्साइड से पास करा लो तो ये उसका कार्बोनेट देगा। ऑब्वियसली आपको मालूम है लिथियम ऑक्साइड Li2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O, दिस पोटेशियम ऑक्साइड K2O, एंड आते ही रहेंगे, हाइड्रोक्साइड आएंगे इनके कार्बोनेट आएंगे, राइट? ये बात होगी। लेकिन एक्सेप्शन में बताना चाहूंगा, सुनो, लिथियम, बेटा जब लिथियम को आप किसी एटमॉस्फेरिक एयर में बन कराते हो तो उसकी टेंडेंसी है वो अपने ऑक्साइड तो देगा ही देगा, साथ में नाइट्राइड भी देगा। तो छोटा सा एक्सेप्शन ब्रैकेट में लिख दो यहाँ, क्या? लिथियम अगर एटमॉस्फेरिक एयर से बन कराओगे ऑक्साइड तो देगा ही देगा, साथ में अपना एक नाइट्राइड भी देगा। जानते हो लिथियम नाइट्राइड कौन देता है? लिथियम देता है। ये छोटा सा क्या है भाई? ये छोटा सा एक्सेप्शन है। मतलब इस 1A ग्रुप के जो बाकी के मेटल होते हैं, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम जो भी है, एटमॉस्फेरिक एयर से जल के नाइट्राइड नहीं देंगे। सब तो ऑक्साइड देंगे, लिथियम भी देगा, पर लिथियम ऑक्साइड के साथ में एडिशनल चीज नाइट्राइड भी देता है। पहली पॉइंट। अब सेकेंड ए ग्रुप पे आ जाइए भाई, बना दे सेकेंड ए पे। सर ये सेकेंड ए का ग्रुप का मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन करा ली है, ये इसकी ऑक्साइड आई, इसकी ऑक्साइड क्या है बेटा? MO, इसकी M2O, क्रिस क्रॉस मेथड बना लो, राइट? इसकी हाइड्रोलिसिस करा लिए भाई, इसकी हाइड्रोक्साइड MOH, इसकी हाइड्रोक्साइड MOH टेकन ट्वाइस, वेरी गुड, MOH टेकन ट्वाइस। सर कार्बन डाइऑक्साइड डालो इसकी कार्बोनेट, भाई +2 -2 मिला लो कार्बोनेट आ गए। सर इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है क्या? है बेटा। क्या? बेरिलियम को जब आप एटमॉस्फेरिक एयर में हीट कराते हो तो ये भी एक छोटा सा एक्सेप्शन इसका बेरिलियम देता है। तो बेरिलियम एटमॉस्फेरिक एयर के साथ अपने ऑक्साइड तो देगा ही देगा, साथ में अपने नाइट्राइड भी देगा। क्या देगा बेटा? Be3N2, दैट इज अ नाइट्राइड फॉर्म बाय बेरिलियम। अरे बेरिलियम की वैलेंसी +2, नाइट्रोजन की वैलेंसी -3, तो +2 -3 करा लो, ये बेरिलियम नाइट्राइड दे दिया, राइट? तो बेरिलियम नाइट्राइड भी देता है ऑक्साइड भी देता है, लिथियम ऑक्साइड भी देता है नाइट्राइड भी देता है। ये पहली पॉइंट थी, रिएक्टिविटी ऑफ दिस एलिमेंट टुवर्ड एटमॉस्फेरिक एयर एंड टुवर्ड्स मॉइस्ट एयर, बोलो बेटा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट भाई ये रिएक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बेटा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब देखो बेटा लिथियम अपना नॉर्मल ऑक्साइड देगा, सोडियम अपना परऑक्साइड देगा, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम अपने सुपर ऑक्साइड देंगे। बना लो, लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड देगा। सर नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे होता है? Li2O। बेटा सोडियम परऑक्साइड देगा, भाई परऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? सर Na2O2। पोटेशियम रुबिडियम सीजियम,
सर ये क्या देते हैं? सुपर वाली ऑक्साइड देते हैं। सर सुपर वाली ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? दैट इज MO2 बेटा, KO2, RbO2, CSO2। बेटा नीट में एक बार ये सवाल पूछ दिया था और सुनो अभी भी पूछेगा, डरना नहीं बेटा। ये सारे सुपर ऑक्साइड में कौन से सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा? तो क्या बोलना, जितना बड़ा कैटायन उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो बेटा इनमें सबसे बड़ा कैटायन कौन है? सीजियम। तो आप ले लिखना, सीजियम सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी सुपर ऑक्साइड ऑफ रुबिडियम से ज्यादा है और सुपर ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम से भी ज्यादा है। ये सवाल अपने नीट का है, इसीलिए बेटा इसको स्टार में डाल दिए। स्टार मार्क वाली चीजें अच्छे से पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना, सबको समझ में आ जाएगा। तो एक खास चीज इसमें आपने क्या सीखा है, लिथियम भाई नॉर्मल ऑक्साइड देता है, सोडियम परऑक्साइड देता है, लेकिन बाकी के तीन जो है लार्जेस्ट साइज ऑफ कैटायन क्या देते हैं? दे विल यूज अ सुपर ऑक्साइड, राइट बेटा। जैसे ही आप डाउन द ग्रुप आते हो एफिनिटी टुवर्ड द ऑक्सीजन बढ़ता है, तो एफिनिटी टुवर्ड द ऑक्सीजन बढ़ने से आपकी नॉर्मल से पर से सुपर ऑक्साइड बनने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। अब सेकेंड ग्रुप पे आ जाओ, बेरिलियम की बात करो नॉर्मल ऑक्साइड, मैग्नीशियम की बात करो नॉर्मल ऑक्साइड, कैल्शियम की बात करो परऑक्साइड, स्ट्रॉन्टियम की बात करो परऑक्साइड और बेरियम की बात करो परऑक्साइड। मतलब यहाँ पर एक भी सुपर ऑक्साइड नहीं बनते हैं। कहाँ पर भाई? यहाँ पर। तो बना दे ये लाइन ऐसे कर दे, बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगा ना, राइट सर। अब आए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, तीनों के तीनों क्या बना रहे सर? परऑक्साइड। क्यों? आज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप, क्या बोलेंगे बेटा? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एफिनिटी ऑफ दीज एलिमेंट टुवर्ड द ऑक्सीजन इंक्रीजेस। तो जिसकी टेंडेंसी टुवर्ड द ऑक्सीजन इंक्रीज हो रही है, नॉर्मल से पर से सुपर बना सकता था, पर यहाँ 2A ग्रुप में एक भी एलिमेंट आपके सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। लिख लो बेटा, याद रख, दिख रहा है ना पूरा? वेरी गुड, बेटा थर्ड पॉइंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। सर ये आएगा रिएक्टिविटी, बेटा ये आएगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स H2O, किसकी भाई? 1A ग्रुप, और दूसरा आपको यहां पर आएगा 2A ग्रुप। बेटा 1A ग्रुप 2A ग्रुप में अगर आप रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर देखते हो, तो वाटर की तरफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? जितनी ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। मतलब मैं ऐसे लिख दूं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल टुवर्ड द वाटर। लेकिन इस केस में आप देखो, यहां पर आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम छूट गया, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम और फिर आ गया मैग्नीशियम। काम की चीज तो यही है भाई, 2A ग्रुप में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है वाटर की तरफ? तो बोलना मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द वाटर। ऐसा क्यों? तो आपको मालूम है लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू द हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसका रीजन लिख रहा हूं बेटा मैं, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट reducing agent due to high heat of hydration. आप जानते हो सबसे ज्यादा heat of exceptional heat of hydration सबसे ज्यादा किसकी है? lithium की है। बेटा strongest reducing agent हो गया because of high heat of hydration, इसलिए इसकी reactivity toward water कम हो जाती है। और एक केस है बेटा SRP value भी देखी जाती है। गॉड, दूसरा beryllium की बात करो, बेरिलियम इज अ वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू इट्स हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन।
बेरिलियम इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू इट्स हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन। बेटा इसकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट हीट ऑफ एटोमाइजेशन तो वीकेस्ट द रिड्यूसिंग एजेंट, यहां पर हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन तो स्ट्रॉन्गेस्ट द रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। फिर भी इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होने के बाद भी रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर कम है और ये वीक होने के कारण इसकी यहाँ पर कम है। तो अलग अलग रीजन है, पर आपको याद तो रखना है ऑर्डर। एग्जाम में आपको रीजन नहीं पूछेगा, एग्जाम में आपको पूछेगा रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल टुवर्ड्स द वाटर पूछेगा। तो याद रखना मैग्नीशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द वाटर, लेकिन यहाँ सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द वाटर। बना लीजिए बेटा। बेटा फिर आएगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, सर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में देखो बेटा कोई भी वन ए ग्रुप का एलिमेंट आप हाइड्रोजन से रिएक्ट करा लिए वो हाइड्रेट क्या देगा, देखो ध्यान से, ये वन ए ग्रुप का एलिमेंट है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करा लिया, इसकी वैलेंसी वन इसकी वैलेंसी वन, तो आपको ये वाली हाइड्रेट दे देगा, भैया टू लगा लो, ये टू लगा लो, बन गया। इसमें देखो टू ए ग्रुप का एलिमेंट है, किसी हाइड्रोजन से रिएक्ट करा लेगा और वो अपना हाइड्राइड ये दे देगा, राइट भाई, ये हाइड्राइड आ गया टू ए का और ये हाइड्राइड आ गया आपके वन ए का, बस इतना बना लिए। आप देखो आपको इनकी क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड देखना है। यहाँ पर देखिए बेटा क्या क्या बनाएगा, तो यहाँ पर जो पॉइंट पूछेगा वो पूछेगा भाई स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड। बेटा एक याद कर लो आप ये वाली चीज है, हाइड्राइड जो होता है एच नेगेटिव स्मॉलर साइज ऑफ एनायन है। बेटा जितनी छोटी एनायन हो, जितना छोटा कैटायन हो उतनी अट्रैक्शन ज्यादा, जितनी बड़ी एनायन हो जितनी बड़ी कैटायन हो उतना अट्रैक्शन ज्यादा। तो आपका हाइड्राइड जो है छोटा सा एनायन है, आप मेरे यूट्यूब के मेरे अलग से मैंने ये जो इसका वीडियो बनाया बेटा उस पर आप देख लीजिए, मैंने बना दिया थर्मल स्टेबिलिटी सॉलिडिटी का अलग से मैंने एक बना के रखा है, आप डीएलपी में भी देख सकते हो। तो ये जो है छोटी सी एनायन छोटा सा कैटायन, इनका अट्रैक्शन अगर ज्यादा है बेटा, अट्रैक्शन ज्यादा तो थर्मली वो जो बॉन्ड स्ट्रांग, जितना बॉन्ड स्ट्रांग तोड़ने को एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो बेटा लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम में आप देखो तो डाउन दी ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, टेंडेंसी टू ब्रेक द बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सेम केस बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंथियम एंड बेरियम में भी देखा जाता है। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दिख रही है भैया, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम, बेटा ये भी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप है। व्हाट द पॉइंट, जितनी छोटी एनायन जितना छोटा कैटायन अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग, जितना अट्रैक्शन स्ट्रांग बॉन्ड उतना स्ट्रांग, उसको तोड़ने को एनर्जी ज्यादा लगेगी, थर्मली मोर स्टेबल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, थर्मली मोर स्टेबल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बना लीजिए बेटा ये वाला। बेटा अब आएगा दैट इज ए रिएक्शन ऑफ दीज एलिमेंट टुवर्ड्स द लिक्विड मेटल। लिक्विड अमोनिया, अब मैं वन ए ग्रुप एलिमेंट ले लू बेटा, अमोनिया लगेगा एक्स प्लस वाई, आप जानते हो क्यों, क्योंकि एक आपको मेटल अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब ये जो मेटल होगा ये इसके पास कुछ एक्स नंबर ऑफ अमोनिया सराउंड करेंगे और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास वाई नंबर ऑफ अमोनिया सराउंड करेंगे। तो बेटा एम है ना, मेटल अमोनिएटेड आयन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट।
अभी इन मोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण सॉल्यूशन कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, और पैरामैग्नेटिक होने से वो कलर दिखाता है। वैसे ही बेटा इसकी बात करो, ये आपका मेटल एम टू ए ग्रुप का है, यहाँ पर भी आपको लगेगा कुछ एक्स प्लस वाई मोल्स ऑफ अमोनिया। बेटा ये जो मेटल आएंगी, मेटल की वैलेंसी में प्लस टू ले लूँ, प्लस टू ले लिया तो क्या होगा, इसके पास भी आपके पास अमोनिया वाई मोल लगेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास भी अमोनिया आपको एक्स मोल लगेंगे, तो एक्स प्लस वाई आ गया। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, इट विल एग्जिबिट द कलर टू द सोल्यूशन। तो मैं एक दोनों चीज के लिए मैं कॉमन लिख देता हूँ, ये दोनों है ना बेटा आपके, ये दोनों चीज के लिए मैं कॉमन लिख देता हूँ। व्हाट इज दैट, देखिए आपको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स ये सॉल्यूशन इट बिकम डीप ब्लू इन कलर, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन इज डीप ब्लू कलर। और जैसे जैसे आप टाइम को थोड़ा स्पेंड करते जाओ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे होते रहा, ये जो ब्लू कलर है धीरे धीरे फेड होते जाएगा, एंड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ब्लू कलर स्लोली फेड्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अमाइड के फॉर्म होते होते कलर पूरा फेड होके कलरलेस बना लेगा। इज इट क्लियर बेटा, फेड हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए अमाइड, मेटल अमाइड बनाता है। बना लो बेटा ये, बन गया। वेरी गुड, एक काम कर लेंगे अभी, ये तो टॉपिक आपको आता भी होगा ना डायगोनल रिलेशनशिप वाला, एक बार देख लो 10-2 मिनट के लिए। बेटा लिथियम बेरिलियम बोरॉन, अब ये टॉपिक सबको आता है फिर भी देख लो, नीट एग्जाम में पूछता भी है। टॉपिक है छोटा सा डायगोनल रिलेशनशिप, मतलब इनकी रिलेशनशिप, मतलब इनकी रिश्तेदारी पूछ रहा है, लिथियम किसका रिश्तेदार है ऐसा पूछ रहा है। तो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, भाई इसके नीचे सोडियम या मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। बेटा हम एस ब्लॉक की कर रहे हैं बात, तो हम एस ब्लॉक तक ही रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। ये इसका रिलेटिव है, ये इसका रिश्तेदार है। बेटा इन दोनों ऐसे डायगोनल रिलेटेड क्यों है, तो क्यों है बोलना, आपने बोलना ड्यू टू कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई पोलराइजिंग पावर, अप्रोक्सीमेट साइज। बेटा दीज एलिमेंट्स आर दिस लिथियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, दे आर डायगोनली रिलेटेड, दे आर डायगोनली रिलेटेड ड्यू टू पहला कंपेरेबल इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यूज, एक्चुअली ज्यादा डिफरेंस नहीं होती है बस छोटी सी कम डिफरेंस, कंपेरेबल इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। दूसरा हाई पोलराइजिंग पावर, इन दोनों की पोलराइजिंग पावर एक जैसी होती है लेकिन हाई होती है बाकी के एलिमेंट के कंपेयर में, और इनकी एटॉमिक साइज देखो तो अप्रोक्सीमेट सेम साइज। बेटा ये तीन रीजन के कारण ये जो एलिमेंट्स है एक दूसरे के डायगोनली रिलेटेड है, राइट। चलो बना लो बेटा इसको, वेरी गुड। अब बेटा पूरा जितना टॉपिक एस ब्लॉक का आपने पढ़ लिया है, अब ये पूरे एस ब्लॉक का टॉपिक को एनसीईआरटी से पूरा मैंने ऐसा एक एक पॉइंट करके निकाला है कि बस ये पढ़ लो सब आ गया। पहली बात करेंगे भाई ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, क्या बात करेंगे भाई ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, दूसरी तरफ बेटा ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी, खत्म। अगर आपको कंसेप्ट याद नहीं रहते हैं तो सुधीर सर का ये क्लास सुन लो और सबको बता दो, सबके काम में आ जाएगा।
बेटा ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी आप जानते हो, वन ए ग्रुप की कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन दी ग्रुप। तो बेटा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सर ये क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट ऑफ वन ए इंक्रीज कर गई, कर गई। वेरी गुड भाई। ऑर्डर ऑफ सॉल्विटी पकड़ो भाई, ऑर्डर ऑफ सॉल्विटी बेटा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यारे सर ये भी तो वही है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर आपको रीजन जानना है तो मेरा वो सॉल्विटी वाला वीडियो देख लो, सबको समझ में आ जाएगा। तो बेटा सॉल्विटी की भी ऑर्डर वन ए ग्रुप की कार्बोनेट की इंक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप, और थर्मल स्टेबिलिटी की भी ऑर्डर कार्बोनेट ग्रुप वन ए ग्रुप इंक्रीज ही करती है। कोई डाउट बेटा? आगे हाइड्राइड की बात करो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मैंने अभी भी आपको बताया था, जितनी छोटी एनायन, जितना छोटा कैटायन, उतना अट्रैक्शन ज्यादा, बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग, तोड़ने को एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी, हेंस इट इज मोर स्टेबल, सो थर्मल स्टेबिलिटी गेट डिक्रीजेस। बेटा यही वाला हाइड्रोक्साइड की बात करो, सॉल्विटी में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एग्जाम में पूछ चुके हैं, वही वाला मैंने दे रहा हूं सर। हाइड्रोक्साइड की भी सॉल्विटी इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप है बेटा, राइट। हाइड्रोक्साइड की भी सॉल्विटी इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप है। चलो हाइड्रेट की बात करो बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम। सर स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, स्मॉलर द एनायन, स्ट्रॉन्गर द अट्रैक्शन, ग्रेटर द स्टेबिलिटी। चलो कोई बात नहीं है सर, थर्मल स्टेबिलिटी की तो बात कर रहे हैं आप, अच्छी बात है। अब आप सॉल्विटी पे आ जाओ, हाइड्रोक्साइड ऑफ टू ए ग्रुप एलिमेंट याद रहेगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, हाइड्रोक्साइड। बेटा हाइड्रोक्साइड सॉल्विटी ऑफ टू ए ग्रुप इंक्रीज ही करेगा, तो ये भी इंक्रीज कर गया, गॉट अ पॉइंट। हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस सॉल्विटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, बेटा सॉल्विटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ टू ए इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। बना लो बेटा तीनों को, कार्बोनेट, कार्बोनेट में थर्मल स्टेबिलिटी देखना है, क्या करेगा? इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, राइट, इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। बेटा अगर आप कार्बोनेट्स ऑफ सॉल्विटी की बात करो, डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। हाँ बेटा कार्बोनेट ऑफ सेकेंड ए ग्रुप की सॉल्विटी की बात करो, डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। सल्फेट, सल्फेट बेटा इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, लेकिन सॉल्विटी उल्टा, डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। सॉल्विटी ऑफ द सल्फेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लिख लो बेटा, लिख लो, लिख लो, बहुत काम की चीज है, सब कुछ आता है, ये चीजें बच्चे भूल जाते हैं लास्ट में, मतलब आपका जो बेरिलियम कार्बोनेट है दिख रहा है, आपका जो बेरिलियम सल्फेट है दिख रहा है बेटा, ये लेस स्टेबल, ये भी लेस स्टेबल, तो ये कैसे है? ये अनस्टेबल है। और भाई ये अनस्टेबल क्यों है तो आपको पूछा जाएगा, तो बोलना ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ बेरिलियम आयन एंड हायर साइज ऑफ कार्बोनेट एंड सल्फेट आयन, दे आर अनस्टेबल। क्यों बेटा? ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ Be+2 एंड लार्जर साइज ऑफ कार्बोनेट एंड सल्फेट, ये इसकी बात किया।
बेटा वहां पर जाइए, 2A ग्रुप का या सल्फेट और आपने कार्बोनेट देखना है 2A ग्रुप का। फॉर कार्बोनेट एंड सल्फेट ऑफ 2A ग्रुप इंक्रीजेस इन लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप व्हिच प्रीडोमिनेट ओवर हाइड्रेशन एनर्जी, सो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ये ओवरऑल जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा के दिया ना बेटा, सुन लो क्या क्या लिखा के दिया, ध्यान से देखो आप, कुछ भी नहीं है, सब कुछ चीजें आपके सामने बोर्ड पर है, पर मैं इसका भी शॉर्टकट दे रहा हूं आपको। हो सकता है चीजें भूल जाते हैं बच्चे, ये शॉर्टकट पकड़ लो बेटा। ये देखिए कार्बोनेट, मैं लिखू कार्बोनेट 1A का, दिख रहा बेटा 1A का कार्बोनेट। अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं, टीएस मतलब थर्मल स्टेबिलिटी फॉर कार्बोनेट ऑफ 1A, तो क्या हो रहा है सर, इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। बेटा यही कार्बोनेट 1A का अगर मैं सॉलिबिलिटी की बात करूं तो क्या हो रहा है, इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। देखो भाई थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, सॉलिबिलिटी भी इंक्रीजेस, वेरी गुड सर। भाई कार्बोनेट ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट ऑफ 2A पकड़ो, ये कार्बोनेट है थर्मल स्टेबिलिटी है 2A का, सर देखो इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है सर। बेटा कार्बोनेट्स ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बोनेट ऑफ 2A ग्रुप, सर ये तो उल्टा हुआ, डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। मतलब आपको एक चीज तो समझ में सबको आ गया क्या भाई, सिर्फ आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि सुधीर सर का क्लास, उन्होंने 2A ग्रुप में कार्बोनेट ऑफ 2A की सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप बोला, एक एक्सेप्शनल है, बाकी देखो भाई ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, वो भी इंक्रीज, सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बोनेट ऑफ 2A डिक्रीजेस, सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बोनेट 2A डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। कोई डाउट है किसी को, वेरी गुड, आगे आ जाओ। सल्फेट टीएस ऑफ 1A लिखू मैं, सल्फेट मतलब SO4 2 माइनस। भाई क्या पूछ रहा, थर्मल स्टेबिलिटी पूछ रहा, देखो 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 राइट क्या हो रहा है, इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। भाई ये जो सल्फेट है ये आपका, सॉरी सॉरी मैंने 1A ग्रुप के सल्फेट नहीं दिया ना, सॉरी बेटा सॉरी, माफ कर दीजिए, सल्फेट 2A का है, और ये सल्फेट के 2A में आपने क्या देखा है, थर्मल स्टेबिलिटी देखा है, और आपने क्या देखा है, सॉलिबिलिटी देखा है। बेटा थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। बेटा सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, याद रहेगा सर। सल्फेट की सॉलिबिलिटी हो तो भी डिक्रीज करेगी 2A में, कार्बोनेट की सॉलिबिलिटी हो तो भी डिक्रीज करेगी 2A में, लेकिन कार्बोनेट की सॉलिबिलिटी हो 1A का इंक्रीज करेगी। बना सकते हो, बोलो कार्बोनेट ऑफ 1A टीएस इंक्रीज, सॉलिबिलिटी इंक्रीज, कार्बोनेट ऑफ 2A टीएस इंक्रीज, सॉलिबिलिटी डिक्रीज, सल्फेट ऑफ 2A टीएस इंक्रीज, सॉलिबिलिटी डिक्रीज। देखो इंक्रीज डिक्रीज दोनों सेम है, लेकिन ये अकेला ऐसा कर दो फिर, ये अकेला भाई सबसे अलग है, कौन सुधीर सर की क्लास और ये छोटा सा ट्रिक सबसे अलग है, अलग नहीं है। कार्बोनेट ऑफ 1A टीएस इंक्रीज, सॉलिबिलिटी इंक्रीज, कार्बोनेट ऑफ 2A टीएस इंक्रीज, सॉलिबिलिटी डिक्रीज, सल्फेट ऑफ 2A टीएस इंक्रीज, सॉलिबिलिटी डिक्रीज, खत्म। ये याद कर लो पूरी चीज अपने आप मिलते जाएंगी, राइट बेटा, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रिमेनिंग पार्ट विल ट्राई टू सी इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।